खुशाइन करार दे दिया है। कहते हैं कि परवेज खट्टक को आबाई हल्के से शिकस्त होगी और निगरान वजीर आजम पंजाब से होगा। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी नवाब शेर, बताइएगा। जी बिल्कुल, सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर अहमद वली खान साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी वज़ीर आज़म के साथ आप लोगों की मुलाकात हुई है, निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से क्या कहा कि किस सूबे से होगा और कौन हो सकता है? नहीं जी, हमारी मुलाकात तो इन चीज़ों के बारे में नहीं थी, वो तो ऑफ द रिकॉर्ड थी। अलबत्ता जो मुलाकातें अभी हो रही हैं लीडरशिप्स की, तो इसमें ये सब फैसले होंगे। अच्छा, परवेज खट्टक ने पार्टी बना दी है, तो उस पार्टी कोई वो है, ख़तरा है आप लोगों से इस सूबे में? उसको या हमें, तो इस तरह बहुत लोग उठ के पार्टी बना लेंगे। परवेज़ खट्टक की जो अभी हालात है वो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो इंशाल्लाह अपना मानकी वाला हल्का भी नहीं जीत पाएगा। गवर्नर राज है सूबे में, उस हवाले से आपकी नाराज़गी ख़त्म होगी कि नहीं अभी भी है? ये आपको किसने बताया कि ख़त्म हो गई? जो हमारी बात थी वही है, और उसके रवैये में ना फ़र्क आ सकता है, वो ना आएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अहमद वली खान साहब का यही कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म क्या